देखो व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा क्विक, बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट बनके तैयार होती है। पैर से तैयार की जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा मजेदार बनके तैयार होती है। जो मीठा खाते हैं, मीठे के शौकीन है, उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे पापा बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए हम बना रहे हैं आज। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है अरबियन पुडिंग। बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब बनके रेडी होती है, जो बन के तैयार होती है। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अरबियन पुडिंग बनाने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, इसके हम एजेस को करेंगे कटिंग। ब्रेड स्लाइसेस लिए, इसके हम करेंगे एजेस की कटिंग। इस तरीके से हम इसकी एजेस की कर देंगे कटिंग। इसी तरह तमाम ब्रेड स्लाइसेस की हम करते हैं कटिंग। तमाम एजेस रिमूव करने का फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं तमाम ब्रेड के एजेस हमने कटिंग कर दिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस को हम करते हैं डिश के अंदर अरेंज। ग्लास डिश लिया, इसके अंदर हम ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज करेंगे। ये देख सकते हैं दो अदद हमने यहाँ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। यहाँ ब्रेड स्लाइसेस को अरेंज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ब्रेड स्लाइसेस को ग्लास डिश के अंदर अरेंज कर लिया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं आपको बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने तमाम ब्रेड स्लाइसेस को डिश के अंदर अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। बॉल के अंदर 1 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड ले लिया, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं कस्टर्ड। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हस्ब जरूरत मिल्क, ताकि अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं मिल्क। इसे अच्छी मिल्क रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म ऐड क्लम्स बन जाएंगे कस्टर्ड के अंदर। इसे अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। कस्टर्ड को अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लिया है। बनाने के लिए हमने एक पोट लिया, पोट के अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप मिल्क बॉयल हुआ हुआ। देख सकते हैं पोट के अंदर हमने 2 कप मिल्क ऐड कर दिया बॉयल हुआ हुआ। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 4 टेबल स्पून, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम शुगर। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं शुगर को। ऐड कर दिए, इसे अच्छी तरीके से हम डिसॉल्व कर लेंगे, अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे मिल्क के अंदर। अगर हमने इसमें ऐड कर दी थी शुगर, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड कर, शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, इसके अंदर ऐड कर देंगे डिसॉल्व हुआ मैंगो कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, उसे मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, बस एक नॉर्मल सा हमें स्मूथ सा इसका कस्टर्ड, स्मूथ सा इसका कस्टर्ड मिक्सचर को करना है रेडी। यहाँ देख सकते हैं हमारा दूध वाले मिक्सचर के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है, ये थिक होने वाला है। बस ये देख सकते हैं ठीक हो चुका है, इसकी कंडेंसिटी इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें ब्रेड के अंदर से सोक करना है इस मिक्सचर को। इसे हमने रेडी कर लिया, फ्लेम को ऑफ कर दिया। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ये देखते रहे हमारी वीडियो के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्सचर। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कस्टर्ड मिक्सचर। लेयर लगा दिए कस्टर्ड मिक्सचर में ऐड कर दिया। दोबारा से हम ब्रेड स्लाइसेस के लगाते हैं लेयर। हाँ देख सकते हैं दोबारा से ब्रेड स्लाइसेस के लेयर लगा दिए। इसके अंदर दोबारा से हम ऐड करेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड मिक्सचर उसमें ऐड कर रहे हैं। दूसरी लेयर लगा दी है कस्टर्ड मिक्सचर की, इसे हम जरा कूल डाउन करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हम व्हिपिंग क्रीम। एक बॉल के अंदर हम ऐड करें 1 कप क्रीम, व्हिपिंग कप व्हिपिंग क्रीम। इसे हम अच्छी तरीके से करेंगे बीट। व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। कि हमने स्वीट व्हिपिंग क्रीम ली, ऑलरेडी मीठी होती है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस अच्छी तरीके से बीट करेंगे और ऐड करेंगे उसको अरबियन पुडिंग के अंदर। व्हिपिंग क्रीम को उसके अंदर ऐड करेंगे अरबियन पुडिंग के अंदर। देख सकते हैं हमने व्हिपिंग क्रीम को इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हस्ब जरूरत बादाम पिस्ते। देख सकते हैं अरबियन पुडिंग को हमने बादाम पिस्तों से गार्निश कर लिया। इसको मजीद 4 चांद लगाएंगे हम रोज पेटल के साथ, जो हमने धूप के अंदर खुश कर लिए थे, ड्राई कर लिए थे बिल्कुल। हमने इसको हम ऐड करेंगे रोज पेटल। अब इसमें ऐड कर रहे हैं रोज पेटल, जो मजीद 4 चांद और हसीन लगेंगे ये। चलो यहाँ देख सकते हैं अरबियन पुडिंग रेडी हो चुकी है। इसे हमने गार्निश करा है बादाम पिस्ते के साथ और इसे हमने गार्निश करा है ड्राई रोज पेटल के साथ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही क्लासी, बहुत ही ज़्यादा रिच इसका फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहा है ये गार्निशिंग से। तो इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर इसको हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक।
अच्छा यहाँ देख सकते हैं अर्बन पुडिंग को हमने रेडी कर लिया। हमने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखा था ताकि सेट हो जाए। सेट हो चुका, इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम इसकी कर रहे हैं कटिंग, निकाल रहे हैं प्लेटर के अंदर। यहाँ देख सकते हैं अर्बन पुडिंग रेडी हो चुकी है, इसको हमने सर्व और मैं आपको खा के बताऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। मैं टेस्ट भी कर लेती हूँ उसको। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।